नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। एक नया मामला सामने आया है। देखिए, काफ़ी होता है कि लड़की की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है उसकी, उसे या तो फिर हॉस्पिटल में लाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए लाया जाता है, लेकिन ये कुछ नया मामला सामने आया। देखिए, मेरे साथ शारदा देवी थी जिसकी डेथ होगी, जिसकी उम्र 13 साल बताई जा रही है। उसकी नानी जी मेरे साथ हैं और ये कटरा में रहती हैं, और जो शारदा थी वो अपनी मासी के घर टिकरी का एक गांव है, वहाँ पे वो आई हुई थी। 10 दिन से वो लगातार वहाँ पे रह रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ ये तो डॉक्टर ही बताएंगे क्या हुआ उसे। उसकी मौत हो जाती है और उसे शमशान घाट उधमपुर देव का तट पर लाया जाता है, लेकिन जब इन्हें पता लगता है तो ये सारे के सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं। शमशान घाट पर रखी हुई शारदा देवी को वहाँ से उठाया जाता है और इनकी एक ही मांग है कि उससे उसका पोस्टमार्टम कराया जाए, आखिर ये पता लगाया जाए कि उसके साथ हुआ क्या। लेकिन यह सारी बात मैं इनकी जवानी जानना चाहता हूँ। थोड़ा के ना आया शानी थोड़ी के लग रही है कुड़ी दोत्री लग रही है थोड़ी। कदों दी मासी घर गई थी? कोई ओ ये 10-12 दिन 10-12 दिन हुई थी। जिले गई है? बिल्कुल ठीक ही। हां ठीक ये बिल्कुल ठीक ही। तो जिले दी डेथ हुई ना, तुसे ही सुनाया भाई कुड़ी डेथ हुई? कोई नहीं सुनाया तुसे? बिल्कुल जिस वेले खत्म होई जा पी लगे आखना हुन आ फोन किता अदे मी आख दे के एक बेरी कुड़ी बोल दी है भाई मिकी मसैये ने मारिया। अच्छा। ते दूए बेरी कैसा होंदा है के हुन आ बोली नहीं सकदी। हाँ ते आखर दा सनाए मत कुसे जानू मारी उड़ो। अच्छा, ते ए देवका जिले ले आए, तुसें पता कि देवका ले आए दे? नहीं कुसे पता नहीं है ना। तो तुस के चाहने हो, तुस उनकी नानी हो, तुस के चाहने क्यों होना चाहिए था? असें सिर्फ पोस्टमार्टम कराना, क्या खबर पता लगी जाए ते वजह के है वही। ओए दा के है? हां उम्र दी 13 साल ही। 13 साल ते ये सुनया भी उसी सुर्खी बिंदी भी लाई गई थी, वो की लाई थी? अस अपने देखी आए आंधी असें सने उन्हें सुर्खियां बिंदिए जिनीरे पाए दे कलीरे पाए सब के पाए दी गले पा दा ते बिंदी लाई दी सुर्खी लाई दी ओटे सुरमा पा दा। तो उसके चाहने की था पोस्टमार्टम होना था? हां तो उस क्या कहना है तो उसके लगने दी अस में जेड़ा इन इंदा मुंडा है उंदे अस जेगी मासी लगनी आ मासी सास लगनी आ ते अस चाहने कि उस कुड़ी नाल कन्ने के होए दा के नहीं होए दा ओ ता डॉक्टर ही दसनगे, मगर ए गल है कि उस कुड़ी दी बड़ी बुरी तरह मौत होई दी है ते अस क्लियर करवाना चाहने कि मतलब किस वजह कन्ने कोई बीमार नहीं उन्हां दे कुड़ी दा एदी नानी ने दस्या ही असे कि मैं डंगर चराने गई दी ते ओदन मेरे नाल कुछ गलत होया ओ तां हुण डॉक्टर दसनगे, मगर अस ये क्लियर करवाना चाहने कि जेहड़ा साडा बच्चा साडे कोलों गया है उन्हां नूं की के मतलब है के वजह होई, अस ये पोस्टमार्टम करवाना चाहने कि सानूं सारी सच्चाई साडे सामने आए। दीपका जेड़ा संस्कार किता जाता तो तुसे कोई रिश्तेदार पता नहीं है भाई कुड़ी मरी गई? असें कोई कुसे ने कोई खबर नहीं दी कि असें बोला गया कि तुस असें फोन करिए हॉस्पिटल जाने कुड़ी है लेके तो सारे हॉस्पिटल आई जाओ। अस जेल्लै हॉस्पिटल गए ते अस सारे बेड इधर हॉस्पिटल करे करदे हे ते उन्हें केह् कीता कि महाराज चुप जमाते कुड़ी लाई ते उन्हें संस्कार करना शुरू कर दिता ते अस जिस टाइम असें एक शक होया ते असें मुड़ा भेजा जा जाइए मतलब देख जाइए कि केह् वजह है, हाले तक वो हॉस्पिटल आए नहीं। जिस टाइम मुड़ा साडा गया हॉस्पिटल गया ते उधर गया शमशान घाट गया ते कुड़ी दी फुल तैयारी होई दी ते उन्हूं अग लाने वास्ते तैयार कर दिता ही ते हाँ वो ना ओही वजह साड़ी मतलब वजह ये कि एक 13 साल की कुड़ी है उन्हूं पूरे मतलब रस्म करने चूड़ा पाए दा है बिंदी सुरखी लिपस्टिक बगैरा कलीरे सब पाए दे मतलब एक सुहागन की तरह ओदी मतलब संस्कार करे करदे ओदी वजह की है अस ये चाहने कि मतलब अस हुण उन्हूं जिंदा नहीं कर सकते मगर अस ये चाहने कि मतलब होया कि सच्चाई जानना चाहने कि मतलब ओदा सच्चाई दा पर्दा उठना चाहिए दा सच्चाई उपरा कि कल कुसे दे बच्चे आस्ते कुसे दी कुड़ी आस्ते ऐसा ना होए। मेरा नाम नीतू है। आपने देखा कि ये सभी के सभी इनके रिश्तेदार थे और भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूँ कि शारदा की उम्र 13 साल बताई जा रही है और पिछले 10 दिन से वो अपने मासी के घर में थी। जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ शारदा के साथ गलत हुआ है, लेकिन उसे शमशान घाट लाया जाता है और चुपचाप उसका संस्कार करने की कोशिश की जाती है। उसे पूरे दुल्हन की तरह सजाया गया था,
इन लोगों का यही कहना है कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि आखिर शारदा के साथ क्या हुआ है। देखिए नानी जी भी हैं, उनकी उम्र भी काफ़ी लग रही है, 70 साल से ऊपर है ये लोग, और इनका यही कहना है कि उनका पता लगना चाहिए कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। और उन लोगों के खिलाफ अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।